सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब लास वेगास पूरे शहर को ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा था। फिर जितने भी लोग उस जगह पे गए वहाँ से वापस नहीं आए, बल्कि वो भी ज़ॉम्बीज़ बन गए। इसीलिए सरकार ने जल्दी ही उस जगह को बंद कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़े कैसीनोज सिर्फ और सिर्फ लास वेगास में ही होते हैं, और जहाँ पे कैसीनोज होंगे वहाँ पे बहुत सारे पैसे भी होंगे। और कुछ लोगों को इन पैसों के बारे में पता है, और पैसों का लालच इन्हें लेकर के जाता है उस मौत की गुफा में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान सड़क को देखते हैं जहाँ पे आर्मी का एक कंटेनर जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये लोग जा ही रहे होते हैं। तभी इनके सामने से एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आती है और उस ट्रक से टकरा जाती है जिसके ऊपर कंटेनर को बांधा गया है। फिर कंटेनर थोड़ी दूर जाके गिरता है और गिरने की वजह से उसका दरवाजा भी खुल जाता है। फिर जब आर्मी वाले उस कंटेनर की तरफ आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें कुछ भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं। और जैसे ही आर्मी वाले उस कंटेनर के नजदीक जाते हैं उसके अंदर से एक हैवान निकलता है और वो एक एक करके सब पे हमला करता है और उनके गर्दन पे अपने नुकीले दांतों से काटता है। तभी दो लोग यहाँ से दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो इस ज़ॉम्बी से ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। वो उन्हें भी पकड़ता है और उन्हें भी काटता है। फिर देखते ही देखते जितने लोगों को भी इसने काटा है वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और ज़ॉम्बी बनने के बाद ये सारे लोग निकलते हैं शहर की तरफ, यानी कि अब ये पूरे शहर को ज़ॉम्बी बना देंगे। और ये ऐसा ही करते हैं, सारे शहर के अंदर जाते हैं और ये शहर होता है लास वेगास। फिर धीरे धीरे वो सारे शहर के लोगों को ज़ॉम्बी बना देते हैं। फिर हमें हर तरफ ज़ॉम्बीज का आतंक देखने को मिलता है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी और खून नजर आता है। तभी हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है स्कॉट, और स्कॉट के साथ उसका पूरा ग्रुप है। वो यहाँ पे कुछ लोगों को छुड़ाने आए हैं और स्कॉट का पूरा ग्रुप बहुत ही डट के इन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा है और उनके दिल में ज़ॉम्बीज को लेकर के कोई भी खौफ नहीं है। फिर भी मासूम लोगों को बचाते वक्त इसके ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फिर भी इन ज़ॉम्बीज का आतंक कम नहीं होता। फिर स्कॉट अपने ग्रुप के कुछ बचे हुए लोगों को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। तब सरकार इन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए पूरे शहर पे एक घेरा बना देती है, और ये घेरा होता है कंटेनर्स का। फिर घेरा बनाने के बाद सरकार इन पे बम की बारिश भी करती है, फिर भी इन ज़ॉम्बीज की तादाद कम नहीं होती और हर तरफ अफरा तफरी का ऐसा ही माहौल बना रहता है। और लोग दिन भर टीवी देखते रहते हैं और टीवी पे ज़ॉम्बीज की खबर देखते रहते हैं, क्योंकि उन सब की नौकरियां जा चुकी हैं। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े वक्त के बाद हम स्कॉट को देखते हैं जिसने अपना पुराना काम छोड़ दिया है और अब वो एक कुक का काम करता है। और स्कॉट की जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है, लेकिन एक दिन उसके पास एक बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसका नाम है बिली टनाका, और वो स्कॉट को एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दिलवा सकता हूँ। और तब बिली टनाका पूरी कहानी बताता है कि लास वेगास के कैसीनो के एक तिजोरी में $200 मिलियन पड़े हुए हैं और इंश्योरेंस वालों ने उस पैसे को बहुत पहले भर दिया है, इसीलिए कोई भी उन पैसों के बारे में नहीं जानता और किसी को मतलब भी नहीं है। और अगर जल्दी उन पैसों को वहां से बाहर नहीं निकाला गया तो अगले 36 घंटे में सरकार पूरे जगह को जला के भस्म करने वाली है, और अगर पूरी जगह जलेगी तो उसमें वो पैसे भी जल जाएंगे। इसलिए अगर तुम चाहो तो हम उस पैसे को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए तुम उन सारे पैसों को लेकर के आओ और मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद स्कॉट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो फाइनली सोचता है कि वो इस काम को करेगा, क्योंकि इस काम को करने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर जब स्कॉट इस काम के लिए राजी हो जाता है तब बिली टनाका उसे कुछ नक्शे देता है, जिनमें से एक नक्शा होता है कि उस तिजोरी तक कैसे पहुंचा जाए और दूसरा नक्शा होता है कि उस तिजोरी को कैसे खोलना है। और स्कॉट इस काम को करने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले स्कॉट को अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। तभी दूसरी तरफ हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं जिसका नाम है केट, और केट एक सोशल वर्कर है और अभी वो एक रिफ्यूजी कैंप में काम कर रही है। और इसी कैंप में गीता नाम की एक लड़की है जिसके दो बच्चे हैं, और गीता कैसे भी इस रिफ्यूजी कैंप से बाहर निकलना चाहती है, और बाहर निकलने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वो प्लानिंग करती है कि वो लास वेगास शहर के अंदर जाएगी जहाँ पे लोगों को आसानी से पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन वहाँ पे पैसे अभी भी दुकानों में पड़े हुए हैं। और लास वेगास जाने से पहले गीता इस बात को केट को बताती है। तब केट उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज तक जो भी वहाँ गया है वहाँ से लौट के नहीं आया है, तो तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो कि अगर तुम यहाँ से चली गई तब तुम्हारे बच्चों का देखभाल कौन करेगा। और केट ये भी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद गीता कहती है कि ठीक है, मैं लास वेगास नहीं जाऊंगी। लेकिन गीता के चेहरे को देख करके ये साफ साफ पता चलता है कि गीता ऐसा सिर्फ केट का मन रखने के लिए कह रही है और वो लास वेगास जरूर जाएगी। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसका नाम है बर्ट, और ये दोनों लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है।
जिसे देख के हमें पता चलता है कि इस रेफ्यूजी कैंप में जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि आखिर क्यों केट अपने पिता स्कॉट से दूर रहती है, क्योंकि जब पूरे शहर में ज़ॉम्बी भरे पड़े थे तब इसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई थी और इसकी माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तब स्कॉट ने अपने हाथों से उसे मारा था और इस घटना के बाद से बाप और बेटी दोनों में दूरियां बनती चली गई। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो कि अपने टीम को फिर से तैयार करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले जाता है मारिया नाम की एक लड़की के पास जो पहले उसके टीम में हुआ करती थी। और जैसे ही वो मारिया को इस मिशन के बारे में बताता है, मारिया इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर स्कॉट जाता है लूडविग नाम के एक आदमी के पास जो तिजोरियां खोलने में एक्सपर्ट है। फिर स्कॉट उसे जैसे ही पैसों के बारे में बताता है कि इस तिजोरी को खोलने के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे, इस बात को सुनते ही लूडविग उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। और अब स्कॉट के लिस्ट में अगला नाम है मैरियन का, जो कि पायलट है। फिर मैरियन भी इनके टीम में शामिल हो जाती है। फिर स्कॉट के ग्रुप में एक और काबिल आदमी आता है जिसका नाम होता है वेंडरो, और ये आदमी एक बहादुर सोल्जर है। और इन सब के अलावा स्कॉट के ग्रुप में दो और लोग होते हैं जिनमें एक लड़का होता है और एक लड़की, और उसके साथ साथ बिली टेनाका ने अपने एक आदमी को इनके साथ भेजा है जिसका नाम है मार्टिन, और मार्टिन हमेशा ही इनके साथ रहने वाला है। और इन सबको अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद स्कॉट पहुंचता है अपनी बेटी के पास और उससे कहता है कि वो चाहता है कि केट भी उसके साथ चले, लेकिन केट उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। और जब वो कैंप के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि गीता रात को यहां से निकल चुकी है, और वो समझ जाती है कि गीता लास वेगस गई है। इसीलिए वो अपने पिता के पास वापस आती है और कहती है कि मैं आपके प्लान में शामिल होना चाहती हूं और मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब स्कॉट कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन हम तुम्हें लास वेगस के अंदर नहीं जाने देंगे। और ये सुनते ही उसकी बेटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लास वेगस के अंदर कैसे भी जाना है, या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर आपके बिना। और इस बात को सुनने के बाद स्कॉट अपनी बेटी को अंदर ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर केट अकेली गई तो वहां से जिंदा नहीं लौटेगी। फिर ये सारे लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि लास वेगस के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, और इस वक्त में बस ऐसा एक ही है और उसका नाम है लिली। तभी ये लोग देखते हैं कि लिली शहर के अंदर से वापस आ रही है, लेकिन लिली अकेली है। और इस चीज को देख के केट समझ जाती है कि गीता शायद उसी शहर के अंदर खो गई है या फिर मर चुकी है, इसीलिए वो लिली पे हमला कर देती है और लिली को कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन उस औरत के दो बच्चे हैं और अगर गीता को कुछ हुआ तो वो अनाथ हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद लिली केट को सॉरी कहती है और बताती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी गीता को अंदर लेकर के नहीं जाती। फिर ये सब होने के बाद स्कॉट लिली को अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहता है और उसे अच्छे खासे पैसे देने का वादा करता है, और लिली शामिल भी हो जाती है। लेकिन लिली का कहना है कि उन्हें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो बर्ट को अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है और बर्ट को बताती है कि अगर वो उनका साथ देगा तो उसे $20,000 मिलेंगे। और इतने पैसों का नाम सुनने के बाद बर्ट राजी भी हो जाता है। और ये सारे लोग पहुंचते हैं शहर के अंदर, और शहर का नजारा बहुत ही भयानक होता है, और यहां की सबसे भयानक चीज होती है एक टाइगर, और वो टाइगर अब ज़ॉम्बी बन चुका है, और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो बहुत ही खतरनाक नजर आता है। तभी यहाँ पे लिली सबको बताती है कि यहाँ पे दो तरह के ज़ॉम्बी हैं। एक ज़ॉम्बी ऐसे हैं जिनमें सोचने समझने की शक्ति है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, और दूसरे ज़ॉम्बी ऐसे हैं जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ भूख मिटाना जानते हैं, इसीलिए वो सोचने वाले ज़ॉम्बीज की बात मानते हैं। और अगर हमें यहाँ पे अंदर जाना है तो हमें उनसे सौदा करना पड़ेगा, और यहाँ का सौदा है कि हमें एक जिंदा इंसान को उनके हवाले करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद लिली बर्ड के पैर में गोली मार देती है, और गोली मारते ही कहती है कि तेरे पापू का घड़ा भर चुका है, क्योंकि बर्ड रिफ्यूजी कैंप के बहुत सारे लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था और उनके इज्जत पे हाथ डालता था। और ये सब बताते ही लिली बर्ड को घसीटती हुई लेकर के जाती है आगे और वहाँ पे छोड़ देती है। तभी वहाँ पे दो ज़ॉम्बी जाते हैं जिनमें एक औरत होती है, और यही औरत ज़ॉम्बियों की रानी है, और ये बर्ड को घसीट के यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तब लिली बताती है कि हमने इनके साथ सौदा कर लिया है और अब ये हमें परेशान नहीं करेंगे, और ये लोग कसीनो के अंदर जाने लगते हैं। तभी लिबर्टी के पुतले के ऊपर हमें ज़ॉम्बियों का सरदार नजर आता है जो इन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और इसका नाम है ज़ियूस। और ज़ियूस जितने भी लोगों को काटता है वो भी ज़ॉम्बी बनते हैं, लेकिन उनकी सोचने समझने की शक्ति बरकरार रहती है, इसीलिए हम उन्हें अल्फा ज़ॉम्बी कहते हैं। और जैसे ही ये सारे लोग कसीनो के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद क्वीन ज़ॉम्बी बर्ड को लेकर के पहुंचती है ओलंपस के अंदर। ओलंपस एक बिल्डिंग का नाम है, और इस बिल्डिंग के अंदर हजारों ज़ॉम्बीज होते हैं, और जैसे ही क्वीन उसको वहां पे लेकर के जाती है, उसके थोड़े वक्त के बाद वहां पे ज़ियूस आता है, और उसके आते ही हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है, यानी कि वो एक नेचुरल ज़ॉम्बी को पैदा करना चाहते हैं जो कि पैदाइशी ज़ॉम्बी हो।
और एक पैदाइशी ज़ॉम्बी कितना अनोखा और कितना ताकतवर हो सकता है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए ज़ियूस इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर अपनी रानी से मिलने के बाद ज़ियूस पहुंचता है बर्ड के पास और उसके गले पे काट लेता है, और वो उसे काट के जैसे ही नीचे फेंकता है उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे काटने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम स्कॉट की टीम को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग से होते हुए कैसीनो की तरफ जा रहे हैं। तभी इनके ग्रुप की एक लड़की एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है और वो ज़ॉम्बी जग जाता है जो कि अब तक सोया हुआ था। फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए वो लड़की उस पर गोली चलाने लगती है जिससे और भी ज़ॉम्बी जग जाते हैं, और देखते ही देखते इन ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जाती है और सारे लोग इन्हें मारने लगते हैं। लेकिन अंततः जब उस लड़की को लगता है कि ये ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेंगे तब वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है, और जब वो ब्लास्ट होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। फिर स्कॉट की पूरी टीम पहुंचती है उस तिजोरी के पास और वहां पे उन्हें मिलता है एक और नक्शा। ये नक्शा हूबहू वैसे दिखता है जैसा बिली टनाका ने इन्हें दिया है, और इस चीज को देखते ही ये सारे लोग समझ जाते हैं कि ये पहले लोग नहीं है जिन्हें बिली टनाका ने इन पैसों के लिए यहाँ पे भेजा है। बिली टनाका ने इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भेजा है जो कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए हैं। लेकिन इन सारी बातों को भूल के ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं। इसीलिए स्कॉट मारिया और मैरियन को छत पे भेजता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। फिर ये दोनों हेलीकॉप्टर का फ्यूल लेके जाते हैं और उसमें फ्यूल डालने लगते हैं, और दूसरी तरफ स्कॉट अपनी बेटी केट के साथ यहाँ का जनरेटर शुरू करने के लिए जाता है ताकि यहाँ पे बिजली आ जाए। इसी बीच इन दोनों में बात होती है और बातों बातों में हमें पता चलता है कि केट स्कॉट से इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद स्कॉट उससे एक बार भी मिलने नहीं आया, और ये बात केट को बहुत बुरी लगी क्योंकि केट ने अपनी माँ को खो दिया था और उसके साथ साथ उसने धीरे धीरे अपने पिता को भी खो दिया। लेकिन स्कॉट को हमेशा ये लगता रहा कि उसने केट की माँ को मारा, इसीलिए केट उससे नाराज है। बल्कि केट को ऐसा लगता है कि स्कॉट ने जो भी किया सही किया क्योंकि उनकी माँ इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी। और यहाँ पे दोनों अपनी अपनी बातें कहते हैं। उसके बाद इनका गिला सिकवा दूर हो जाता है, और ये सारी बातें होने के बाद स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि जब हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे तब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट शुरू करेंगे और मैं उस रेस्टोरेंट में खाना बनाया करूँगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद केट हंसती है, और उसकी हंसी का ये मतलब होता है कि उसने अपने पिता को माफ कर दिया है और अब वो स्कॉट के साथ ही रहेगी। फिर हम मार्टिन और लिली को देखते हैं, और मार्टिन ने लिली से सौदा किया है कि उसे क्वीन के ब्लड का एक सैंपल चाहिए। इसीलिए लिली यहाँ पे हवा में गोली चलाती है, और उसके गोली चलाने का ये मतलब होता है कि वो क्वीन को यहाँ पे बुला रही है। तभी हम देखते हैं वेंड्रो और लुडविक को जो कि तिजोरी के पास है, और इन्हें यहाँ पे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं, और उन लाशों में से एक लाश ऐसी होती है जिन्होंने हूबहू मारिया जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं, और उसके गले में वैसा ही लॉकेट होता है जैसा कि मारिया के गले में है। और वेंड्रो जैसे ही इस चीज को देखता है वो कहता है कि क्या पता हम किसी तरीके के टाइम लूप में फंसे हो और ये चीज हमारी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रही हो, और शायद यहाँ पे हम ही लोग मरे पड़े हैं। लेकिन इस बात पे कोई तवज्जो नहीं देता और ये लोग तिजोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी लुडविक कहता है कि मुझे लगता है कि इस तिजोरी से पहले बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं जिनमें फंसने के बाद आदमी मर भी सकता है, और ये सुनते ही वेंड्रो नीचे जाता है और वहाँ से एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाता है, और फिर ये लोग ज़ॉम्बी को उस रास्ते पे आगे भेजते हैं तिजोरी तक। लेकिन ज़ॉम्बी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस पे एक के बाद एक हमले होते जाते हैं, और अंत में उस पे सबसे खतरनाक हमला होता है जो उसे चटनी बना कर रख देता है। तभी हमारे सामने आता है ओलंपस का एक दृश्य जहाँ पे हम देखते हैं कि गीता को यहाँ पे बंदी बना करके रखा गया है, और उसके साथ साथ दो लड़कियां और हैं यहाँ पे। तभी इनके पास ज़ियूस आता है और इन तीनों में से एक लड़की को खींच के यहाँ से लेकर के चला जाता है जिससे गीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब तक स्कॉट और केट दोनों कैसीनो के अंदर आ जाते हैं, और केट को पता है कि अगर उसने स्कॉट को कहा कि उसे गीता को ढूंढने जाना है तब स्कॉट उसे कभी भी नहीं जाने देगा, इसीलिए केट स्कॉट को बिना बताए यहाँ से चुपके से निकल जाती है। तभी लिली और मार्टिन के पास पहुँचती है ज़ॉम्बीज की रानी, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है मार्टिन उसकी तरफ एक गोली चलाता है जिससे वो बंध जाती है। उसके बाद वो एक वायर निकालता है जो कि बहुत ही नुकीला होता है, और देखते ही देखते वो रानी का गला काट लेता है। और लिली जैसे ही इस चीज को देखती है वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बस इसका ब्लड सैंपल चाहिए। तब मार्टिन कहता है कि हमारा हमेशा से प्लान यही था कि हमें इसका गला काटना है, और इस गले को मुझे टनाका तक पहुंचाना है क्योंकि उसे पैसों में कोई भी रुचि नहीं है और सिर्फ रानी का सर चाहिए। इसीलिए वो रानी के सर को थैले में रख लेता है। लेकिन लिली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरी हुई नजर आती है क्योंकि उसे पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे ही ज़ियूस को इसके बारे में पता चलेगा वो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तभी स्कॉट को पता चलता है कि सरकार यहाँ पे अगले 1.5 घंटे में बॉम्ब गिराने वाली है,
यानी कि वो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। इसीलिए अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, तभी इनको थोड़े पैसे मिलते हैं, जिन पैसों को ये आपस में बांट लेते हैं और $2,00,000 स्कॉट अपनी जेब में रख लेता है और लुडविक को बताता है कि इनके पास कितना कम वक्त बचा है, इसीलिए उसे तिजोरी जल्दी खोलनी पड़ेगी। फिर लुडविक तिजोरी को खोल देता है और यहाँ पे तिजोरी के अंदर सच में बहुत सारा पैसा होता है, जिसे देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अपने अपने थैले में पैसे भरने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ ज्यूस पहुंच चुका है अपनी रानी के पास और वो देखता है कि उसे मार दिया गया है, जिसे देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और रानी के शरीर को लेकर के पहुंचता है ओलंपस बिल्डिंग के अंदर, जहां पे वो रानी का पेट फाड़ता है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तब वो देखता है कि उसका बच्चा भी मर चुका है और अब ज्यूस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो सबको मारना चाहता है, इसीलिए वो अपनी पूरी सेना को लेकर के कसिनो की तरफ आगे बढ़ता है। तब तक इन लोगों ने पैसे अपने थैले में भर लिए हैं और यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी मार्टिन इन सबको धोखा देता है, वो जिस रास्ते से बाहर निकलता है खुद तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर देता है ताकि ये लोग यहीं पे फंस जाएं और मर जाएं। और इसी बीच मारिया अपने प्यार का इजहार करती है स्कॉट से और कहती है कि मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई। और स्कॉट भी यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों को देख के ऐसा लगता है कि दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को चाहते थे। तभी यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी यहाँ पे आते हैं वो सबसे पहले मारिया को मारते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लगती है। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जिसे बाहर उस टाइगर ने पकड़ लिया है और फिर वो मार्टिन को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है। तभी लिली यहाँ के एक दरवाजे को काटती है और उसके बाद स्कॉट और लिली यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लुडविग और वेंड्रो यहाँ से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि ज्यूस वेंड्रो को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और ज्यूस बहुत ही ताकतवर है, उसका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब लुडविग देखता है कि ज्यूस यहाँ पे वेंड्रो को मार देगा, तब लुडविग वेंड्रो को उस तिजोरी के अंदर फेंक देता है और तिजोरी को बंद कर देता है ताकि वो अंदर सुरक्षित रहे, लेकिन ये सारे लोग लुडविग को मार देते हैं। तभी हम दूसरी तरफ स्कॉट लिली और उनके साथ उनके एक साथी को देखते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त इनके एक साथी को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और वो अंत में अपने आप को भी बम से उड़ा लेता है। फिर लिली और स्कॉट पहुंचते हैं छत पे, जहां मैरियन हेलीकॉप्टर लेके इनका इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाले होते हैं तभी वहां पे ज्यूस आ जाता है और ज्यूस को देखते ही लिली अपने थैले के अंदर से उस रानी का सर निकालती है क्योंकि उसने मार्टिन से वो सर चुरा लिया था। और रानी के सर पे बंदूक तान के ज्यूस को कहती है रुकने के लिए और उसके साथ साथ स्कॉट को कहती है कि तुम अभी के अभी हेलीकॉप्टर में बैठो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन स्कॉट लिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन अंततः उन्हें जाना ही पड़ता है और उनके जाते ही ज्यूस लिली को मार देता है। फिर लिली रानी के सर को नीचे फेंक देती है जिससे वो सर फट जाता है। तभी स्कॉट मैरियन से कहता है कि उन्हें अब ओलंपस बिल्डिंग के ऊपर जाना है क्योंकि स्कॉट को पता है कि किट उसी बिल्डिंग में होगी, वो गीता को छुड़ाने गई होगी। और स्कॉट पहुंचता है ओलंपस बिल्डिंग के ऊपर। तभी हम केट को देखते हैं जिसे गीता मिल चुकी है और वो गीता को लेकर के छत की तरफ जा रही है। तभी वहां पे ज्यूस पहुंच जाता है और इन पे हमला करने लगता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि वहां पे स्कॉट पहुंच जाता है और इन सबको बचा के छत पे लाता है, लेकिन छत पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहां से हेलीकॉप्टर गायब है और स्कॉट को लगता है कि मैरियन यहां से भाग चुकी है। तभी मैरियन हेलीकॉप्टर लेके वापस आती है और कहती है कि मेरा मन तो यही करता था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन तुम लोगों पे मुझे रहम आ गई। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे ज्यूस आ जाता है और ये लोग हेलीकॉप्टर लेके उड़ते हैं, लेकिन ज्यूस हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है और इनके बीच लड़ाई चलने लगती है और हेलीकॉप्टर यहाँ से आगे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सरकार ने अपनी मिसाइल छोड़ दी है। फिर ज्यूस स्कॉट से लड़ता है और लड़ते लड़ते उसे काट लेता है, तभी स्कॉट उसे गोली मार देता है और ज्यूस मर जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। फिर थोड़े वक्त के बाद हम केट को देखते हैं जो कि होश में आती है। तब हमें पता चलता है कि मैरियन और गीता दोनों मर चुके हैं और स्कॉट थोड़ी दूर जख्मी हुआ पड़ा है और वो तड़प रहा है। और जैसे ही केट उसके पास जाती है वो उसे $2,00,000 देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करो क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब मैं थोड़े ही वक्त में बदल जाऊंगा, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। और इस चीज को सुनते ही केट बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर वो अपने पिता से माफी भी मांगती है। तब तक स्कॉट बदलने लगा होता है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। तब केट को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है और स्कॉट को मारने के बाद केट बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ का आखिरी ज़ॉम्बी भी मर गया। तभी हमारे सामने लास वेगास का दृश्य आता है जहाँ पे वेंड्रो जमीन से बाहर आता है क्योंकि यहाँ पे हमले के बाद सारी की सारी चीजें टूट चुकी हैं और उसके साथ साथ वो तिजोरी भी टूट गई है। फिर वेंड्रो बहुत सारे पैसे लेकर के शहर पहुंचता है और उसके बाद अपने लिए एक प्लेन बुक करता है, लेकिन जब वो प्लेन के अंदर होता है तभी उसकी तबीयत खराब होती हुई नजर आती है और जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसके हाथ पर भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है।
और ये जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि ज्यूस था। और इस चीज को देख के वेंड्रो हंसने लगता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि अभी भी जोम्बी खत्म नहीं हुए हैं और जोम्बी की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम इस फिल्म के एंडिंग के बारे में बात करें तो इसको लेकर के एक बहुत ही अनोखी थ्योरी है और वो थ्योरी टाइम लूप से रिलेटेड है। और उस टाइम लूप की शुरुआत होती है उस तिजोरी के अंदर से, जहाँ पे एक अलग समय का अलग दरवाजा खुलता है और वहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है। यानी कि ज्यूस कोई और नहीं बल्कि वेंड्रो है। जैसे जैसे इस प्लेन के अंदर वेंड्रो की तबीयत खराब होने लगती है, उसके बाद ये मिल जाता है गवर्नमेंट के लोगों को। तब तक ये पूरा जोम्बी बन चुका होता है और इसीलिए गवर्नमेंट के लोग इसे एक कंटेनर में डाल करके यहाँ से बाहर लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में उस कंटेनर का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। और ये टाइम लूप ऐसे ही बार बार रिपीट होते जाता है। इसीलिए हमने मारिया की लाश देखी थी उस तिजोरी के पास और उसके साथ साथ हमने इनकी बहुत सारी चीजें और नक्शा भी देखा था वहाँ पे। तो ये थी हमारी इस फिल्म को लेकर के एंडिंग की थ्योरी। आप इस फिल्म के एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।